कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। वैक्सीन वेस्टेज रोकने में जिला स्तर पर सही प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, ये समय एक प्रशासक के साथ ही एक ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक मैनेजर के रूप में भी आपकी भूमिकाओं को टेस्ट कर रहा है। मेडिकल से जुड़ी सप्लाई ही नहीं बल्कि आपके जिले में दूसरी जरूरी सप्लाई भी पर्याप्त हो, ये बहुत जरूरी है। बरसात के मौसम में हम सब जानते हैं कि आप जो रोजमर्रा सरकार के कामों में जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही जून महीना सामने आना शुरू होता है, आपका ध्यान मौसम, बारिश, क्या हो सकता है, क्या कर, उसमें जाता ही है। काफी आपको अटेंशन देना पड़ता है और इस बार भी बारिश अब शुरू होने जा रही है, तो स्वाभाविक आपको बरसात के मौसम की जो चुनौतियां हैं, जो एक्स्ट्रा आपके लिए बर्डन भी होती हैं, जिम्मेवारी भी होती हैं, और इसलिए आपको बहुत तेजी से अपनी जरूरतों को मैप करना है और जरूरी प्रबंध करना है। अब कई बार तेज बारिश के कारण बिजली चली जाती है और कहीं अस्पताल में बिजली चली गई तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा ऐसे समय, तो ये चीजें अभी से हमको सोचनी पड़ेगी। चुनौती बड़ी है लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है और हमारा रिस्पॉन्स न भूतो न भविष्यति, ऐसा ही होना चाहिए। इसी हौसले और संकलन के साथ, इसी इरादे और संकल्प के साथ हम देश को इस संकट से बाहर निकालेंगे। अभी कोरोना के खिलाफ आपको जो अनुभव मिलेंगे वो भविष्य में भी आपके भी और देश के भी बहुत काम आने वाले हैं। इन अनुभवों का सही इस्तेमाल करके आप आगे भी देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से, आपके कुशल नेतृत्व से, आपके कुशल प्रबंधन से भारत कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ेगा।